तो दोस्तों आ चुका हूँ मैं अपनी लैपटॉप के डिस्प्ले पर और अब मैं आपको बता देता हूँ कि भाई चैनल आर्ट कैसे बनता है YouTube का। तो सबसे पहले कस्टम साइज पर हम जाएंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं विड्थ और हाइट पूछ रहा है कि आप YouTube की विड्थ और हाइट क्या है YouTube के चैनल आर्ट की। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी पेज खोला हुआ है यूट्यूब का, ये है 1540, हाइट है 423 मतलब 423, और इस पर क्रिएट अ न्यू डिजाइन पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम क्रिएट अ न्यू डिजाइन पर क्लिक करेंगे तो भाई हमारे पास यहाँ चैनल आर्ट का साइज आ जाएगा, और उसके साथ साथ आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कितने सारे टैंपलेट यहाँ पर आ गए हैं, और अपने चैनल के अकॉर्डिंग, जिस भी नीच का आपका चैनल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से आप टैंपलेट उठा सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको अपने वाउटेक का चैनल आर्ट बना के दिखाने वाला हूँ अट्रैक्टिव सा, तो बने रहे भाई वीडियो में एंड तक। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी होने वाली है। भाई कैनवा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको बने बनाए टैंपलेट्स मिल जाते। अब मैं यहां से कोई टेम्पलेट्स ले लेता हूं, तो भाई मेरे को फर्स्ट नंबर वाली टेम्पलेट्स अच्छी लग रही है, मैं इसी को ले लेता हूं। तो यहां पर ये टेम्पलेट्स खुल चुकी है और यहां पर आप देख सकते हैं ऑलरेडी इन्होंने इनकी फाइल्स ओपन फाइल्स यहां पर आ चुकी हैं जिनको आप इजीली से एडिट कर सकते हो। तो सबसे पहले भाई ये मेरे को बहुत अच्छा टेम्पलेट लग रहा है, तो मैं इन सबको यहां से हटा देता हूं, मैं अपने हिसाब से यहां पर कस्टमाइज करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां पर टेक्स्ट में जाऊंगा। टेक्स्ट में जाने के बाद यहां पर हेड हेडिंग्स यहां पर आ चुका है, इस पर लिखो मैं वाउटेक तो उसको मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया और वाउ टैग को मैं रख देता हूँ इधर। ये आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा हम कैपिटल में ले लेते हैं W। जी हमारा वाउ टैग इधर आ चुका है, इसको हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं यहाँ पर वाउ टैग। ठीक है, एलिमेंट्स में जाएंगे और एलिमेंट्स में सोशल मीडिया लिखेंगे तो सोशल मीडिया के यहाँ पर सारे के सारे आइकॉन्स आ जाएंगे। जैसा फेसबुक है, फेसबुक लगा देता हूँ मैं इधर, और इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम को मैं उठा करके लगा देता हूँ इधर। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लिख सकते हो, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, यूट्यूब का लगा देता हूँ यहाँ पर एक लोगो। जैसा हमें कोई सा नहीं मिल रहा तो हम यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं ट्विटर, TWITTER ट्विटर। हमने यहाँ से ट्विटर का लोगो उठा लिया और इसको हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। मतलब हम कोई भी लोगो उठाने, ड्रैग एंड ड्रॉप करने की जरूरत नहीं। जैसा ट्विटर है तो हम क्लिक कर देंगे तुरंत यहाँ पर आ जाएगा। डिलीट कर देता हूँ फिलहाल, तो आप देख सकते हैं वाउटेक और उसके नीचे सोशल मीडिया। अब मैं यहाँ से मैं टैक्स ले लेता हूँ भाई, बगैर टैक्स का काम नहीं चलना। इस पर लिखता हूँ मैं फॉलो अस, तो ये फॉलो अस मैंने इसके ऊपर लगा दिया। तो आई होप भाई आप देख सकते हो यार कितनी सारी टैम्पलेट इसमें बनी बनाई हैं। तो इसको पूरे और डिज़ाइन को मैंने कर दिया इधर, और इसको थोड़ा सेंटर में कर देते हैं इधर, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ सेंटर में कर दिया मैंने इसको। ठीक है, और अब मुझे चाहिए भाई वाउटेक का लोगो, तो वाउटेक का लोगो हम यहाँ से ले लेते हैं गूगल से। ये हमारा लोगो आ गया यहाँ पे, इसको हम यहाँ से वो हमने डाउनलोड कर लिया। तो यहाँ अपलोड पे जा करके और इमेज में यहाँ पे अपलोड मीडिया, और आप यहाँ पे डाउनलोड हो चुका था मेरा लोगो, तो मैं इसको लोगो को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ इधर। ये आ चुका है मेरा लोगो, तो इसको मैं अपने हिसाब से सेंटर में लगा दूँ जहाँ मेरे को अच्छा लगेगा। मतलब बहुत ईजी है यार वो कैनवा को यूज़ करना, बहुत ईजी है, हमें पैसे भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं इधर लगा देता हूँ, इधर थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। ये मेरा लोगो लग गया, इधर वाउटेक आ गया। और अगर जो हम कुछ और लिखना चाहते हैं या कुछ और एलिमेंट्स लगाना चाहते हैं तो भाई एलिमेंट्स यहाँ से ले सकते हैं हम कोई भी किसी भी तरह का। और हम अगर जो बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं भाई किसी भी उसका। आप यहाँ पे कोई भी सी भी बैकग्राउंड लगाओगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा बैकग्राउंड चेंज होती है। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, येलो वाला देखो भाई, ये देखो भाई कितना अल्टीमेट लग रहा है। इसका हम पीएनजी काट लेंगे तो ये वाला पार्ट हट जाएगा इससे। और ये मतलब बहुत यार एक से एक, मतलब इसमें टैंपलेट्स बनी हुई हैं, ये मेरे को सबसे अच्छा लगता है कि आप बनी बनाई टैंपलेट्स पे वर्क कर सकते हो। तो भाई फाइनली मैंने भी सेलेक्ट कर लेता हूँ वाइट वाला, ठीक है, ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। तो आई होप आपको चैनल आर्ट भी बनाना आ गया होगा। और सबसे अच्छी बात ये है यहाँ से हम सारे के सारे टैंपलेट, ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट्स, यहाँ पे अपलोड कुछ भी हम लोगों वगैरह कुछ भी हम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे टैक्स चाहे बोल्ड में ले लो, किसी भी तरह में ले लो, और नीचे भी और बहुत सारे यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइटल्स अलग अलग फॉन्ट्स के यहाँ पर टाइटल्स दिए हुए। यहाँ पे बैकग्राउंड आप बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो, और यहाँ पे फिर कुछ चार्ट्स हैं, आप अगर जो इस तरह का आपका चैनल है इस रिलेटेड आपका चार्ट रिलेटेड चार्ट लगा सकते हैं। ठीक है भाई, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये कैनवा यूज़ करना, और मेरे हिसाब से भाई मेरा चैनल आर्ट तैयार हो गया। और अगर आपको और ऐड करना है तो भाई आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। और ये आप यहाँ पे देखो राइट साइड में डाउनलोड पर जैसे आप क्लिक करेंगे ना, और क्लिक करने के बाद आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसको। अब ये देखो नीचे डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड हो चुका है मेरा, और अब मैं डाउनलोड में जा करके उसको देख सकता हूँ। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर डाउनलोड में गए और ये आ गया। अब हम इसको अपने चैनल पे लगा सकते हैं, अपने चैनल आर्ट पे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।